वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग आ रखे हैं बीट में, देख सकते हैं पत्थरों का बीट लगा है। और अभी पत्थरों का मतलब पहाड़ी टाइल्स का, जो कि छत में बिछाए जाते हैं। तो अभी आधे लोग तो देख रहे, आधे लोग पीछे से आ रहे हैं। हम दो लोग हैं, आगे से दीवान मामू है और पीछे से मैं चल रहा हूँ। काफ़ी वाट लगी है क्योंकि बहुत भारी हो रहा है, कड़ में पीड़ हो गई है। तो अभी निकल रहे, बहुत ऊपर आ रखे हैं लेने के लिए, बहुत ऊंचाई पे। एक तो बारिश हो रही है, देख सकते हैं मौसम, और ऊपर से कोहरा भी लगा है। और साथ ही साथ जोंक ने जो आफत कर रखी है ना, पूरे पैर से खून ही खून आ रहे हैं। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अभी हम लोग यहाँ आ रखे हैं, हम लोग नीचे के रास्ते आए, ये लोग ऊपर के रास्ते आ गए थे, तो साथ में ही मिल गए। ये लोग आगे आ चुके थे, हम लोग आराम से पीछे से आए। तो अभी देख रहे हैं किसी का मौसम हो रहा है और बारिश भी हो रही है, तो धूप तो आना मुश्किल आज। और गाइस जो मैंने ये पहना है ना, देख सकते हैं पहाड़ी ऊनी कोट है, बकरियों के ऊन से बना हुआ है, वाटर प्रूफ है बिल्कुल। इसके अंदर पानी नहीं आ सकता, मतलब ये इतना मजबूत है कि फटता भी बहुत टाइम बात है, बहुत टाइम लगता है इसको फटने में। और काफ़ी अच्छा भी है, वाटरप्रूफ भी है, और वो ठंडे के लिए अच्छा है, ठंडे के मौसम के लिए। काफ़ी गर्म है, साथ ही पानी इसके अंदर नहीं आता। और अभी लोग उठाने में तो काम आता है, वही भारी भरकम चीज़, और उसके लिए भी काफ़ी सही है क्योंकि इस पर ज़्यादा वो नहीं पड़ता, प्रेशर वगैरह नहीं पड़ता कंधों पर और पीठ पर, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका इस्तेमाल लोग ज़्यादातर बकरियों के साथ जाने के लिए करते हैं ऊपर भुग्याल में, क्योंकि वहाँ ठंड काफ़ी होती है, तो इसका इस्तेमाल उस चीज़ के लिए करते हैं। देख सकते हैं मौसम की तो पड़ी है, फिर भी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। आज का ब्लॉग शुरू कर रखा है अभी यही आने पे, क्योंकि जैसे आते वक्त काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और ऊपर पेड़ों से भी पानी गिर रहा था, तो शुरू नहीं कर पाया। तो अभी हम लोग भ्रमदार पहुँच चुके हैं, जहाँ पहले यहाँ बकरियाँ रही करती थी, अब तो बहुत कम बकरियाँ रहती हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों की बकरे जो हैं बहुत कम, अब बहुत कम लोगों के पास बकरे हैं, करीबन तीन चार मवासी से होंगे जिनके पास बकरे होंगे। तो अब लगभग लोगों ने यहाँ बकरे रखना छोड़ ही दिया है, एक आध लोग ही रखते हैं। और देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है, पीछे से लोग आ रहे भी नहीं आ रहे हैं, और पेड़ देख सकते हैं ऊँचे ऊँचे। पीछे से मेरा पत्थर भी खिसक गया, बड़ा वाला, लंबा वाला। और ये घर देख सकते हैं, ये बकरियों को रखने के लिए बनाया गया है, और मैं भी आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पत्थर लेके जा रहे हैं हम लोग। मेरी पीठ पर भी, मैं अपनी पीठ का दिखा नहीं सकता अभी, इसलिए देख सकते हैं काफ़ी झाड़ वगैरह उग रखे हैं यहाँ। और नो, ये पीछे से पत्थर भी खिसकते जा रहे हैं पीठ से। और ये देख सकते हैं ये छोटा सा प्यारा सा घर बकरी वाले, जो कि बकरा रखते हैं अभी गर्मी के टाइम पे अपनी बाहर पे। अभी तो आजकल तो बकरे ऊपर भुग्याल से आ चुके हैं, इसलिए पूरा खाली है, देख सकते हैं पूरा खाली है, पूरा कुछ भी वो नहीं है। चल खुर्दा देख सकते हैं नीचे खेतों में फूल ही फूल उग रखे हैं। कोहरा लगा इसलिए वीडियो साफ नहीं आ रही गाइस, क्योंकि ये जो खेत है ना, बंजर खेत है सारे, पहले यहाँ बोया करते थे, अब सारी बंजर है इधर को, इस साइड पूरा, और नीचे को भी, नीचे को पूरे खेत ही खेत है। मैं गिर गया हूं भाई, ये पत्थर से ज्यादा भारी हो रहा है, मैं इधर फिसल गया हूं, कमर में चोट आ गई है। बहुत प्रोत लग हो रहे हैं, बरसात में बेट नहीं लगाना चाहिए यार, जब सूर्य निकलता है अच्छा मौसम होता तब लगाना चाहिए बेट, किसी आदमी का पैर फ्रैक्चर हो जाएगा। अभी मेरा ही हो गया कमरे में, यहाँ गो हो गया, आ गया। अरे मूव कहाँ यार, अभी तो बहुत यही 2 किलोमीटर जाना है, इतना जूक अलग से लग रहे हैं, परेशानी।
जो देखो या पाथर जो ले जाऊं क्या क्या करूं, परेशानी हो रही है। कमर का तो ठिकाना, कमर का देखो यहाँ पे आ गई भाई मोच, यहाँ पे ये देखो, ये देखो, ये ये देखो, ये पूरा है, ये पौधे पता है जी, देख सकते हैं जौ कितने सारे लगे हैं पैरों में, ये निकाल खुर्दा, ये बहुत सारे लगे हैं और अभी थोड़ी देर में पैरों से खून निकलेगा, पता नहीं चलता किस टाइम पे लग जाते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कितने सारे पैर में जौक लग रहा है, जौक वगैरह खून ही खून रहा, ये अभी आ रहा कह के ना ऊषा जिता इनवल कद आ गई खुर्दा, बोल कर दे, ये बोल कर दे, तो गाइस अभी छोटे पापा गिर चुके हैं यहाँ पे, फिसलन हो रही काफ़ी, बहुत एक तो लाल मिट्टी है ना तब, और देख सकते हैं गाइस पुराने लोगों के ना बहुत बड़े बड़े खेत हुआ करते थे, अब पूरे बंजर हो चुके हैं, सब लोगों ने खेती बाड़ी करना छोड़ दिया, इसलिए बहुत बहुत सारे बहुत सारे लगभग ना के बराबर खेत आप लोगों के, और बाकी तो सब ऐसे ही बंजर पड़े हैं। गाइस जो लाल मिट्टी इसमें फिसल गए ना तो फिसल गए, हो गया काम तमाम, ये जो आगे दिख रहा, इसलिए हम लेफ्ट कट लेंगे, वहाँ से जाएंगे, वहाँ से नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि गिर गए तो हड्डी पसली या फिर कमर गई, खतरा बना, गई तो गई, ये देखो कैसे बैठ के आ रहा है, हाँ काफ़ी मुसीबत होती है पहाड़ में, हर तरीके से आना पड़ता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, यहाँ के लोग आपको सिखा देंगे, ये यहाँ पे फिसले अभी थोड़ी देर पहले गाइस, ये लाल मिट्टी में पूरा टर्न लेके जाना पड़ रहा, क्योंकि लाल मिट्टी बहुत ज़्यादा बहुत है, और जूते भी ऐसे नहीं है कि फिसले ना, ज़बरदस्ती फिसलेंगे जूते भी, इसलिए आराम आराम से निकलना है, रड़ा दिया बोले तो भेल भेल खिसक गए तो अभी आराम आराम से जा रहे हैं, देख सकते हैं बारिश से और कुछ पसीना भी है, काफ़ी पसीना आ रहा है और कोहरा कैसे लगा है देख सकते हैं चारों तरफ, तो अभी फ़िलहाल हम अभी आधे रास्ते पे, आधे के आधे क्योंकि अभी बहुत नीचे जाना है, क्योंकि काफ़ी ऊपर है गांव से, बहुत ऊपर ऊंचाई पे है, हाइट पे, तो काफ़ी होती है प्रॉब्लम होती है चलने में भी, और जिसे सांस की प्रॉब्लम होगी वो तो नहीं आएगा इस, क्योंकि सांस भी फूलती है काफ़ी, और देख सकते हैं, हाँ 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 ब्लॉक कौल कोई ब्लॉक कौल, हाँ ये थैला वगैरह पहन के आ रखे हैं खुर्दा हमारे, खुर्साल नाम था, तो अभी नीचे खींच चुके हैं, अब मैं वीडियो के आगे बताऊंगा आपको, अभी फिसल गया था मैं भी, बच गया हो तो अच्छा, चोट वगैरह नहीं, और लग रहा मुझे पैर पे जोंक लग गया, ये देख सकते हैं, ए राणा पुठा जरूर बचाए, हाँ क्या नहीं बचा ले जब वो न तो ब्याल का गंदा पे नहीं हगल है, अरे फोन पे थोड़ा बारिश आ गई तो अभी ये कपड़े से साफ कर दिया मैंने, क्योंकि बारिश की छिट्टे पड़ रहे हैं तो वीडियो साफ नहीं आ रही, एक तो ऐसी कोहरा लगा है मेरे फेस के अलावा बाकी कुछ दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का सब, और देख सकते हैं काफ़ी कोहरे में भी जा रहे हैं हम लोग कोहरे से नीचे, तो जब भी हम ले जा रहे हैं ना ये घरों में छत के ऊपर रखा जाता है इसको, मतलब जब लोग छत डालते हैं तो देश शहरों में तो क्या होता है कि लेंटर वगैरह डाले जाते हैं, मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पत्थर वगैरह छत वगैरह डाल जाती है, जैसे लाइक की कसम बताऊँ, जैसे लोग नीचे शहरों में नीचे ज़मीन पर टाइल बिछाते हैं, उसी प्रकार से ये भी एक बड़े प्रकार के टाइल है जो कि पहाड़ों में फेमस है, जो छतों में जो पत्थर वाले घर होते हैं उनमें बिछाए जाते हैं, और ये पत्थर बड़े टाइल बोल सकते हो आप लोग इनको, जो कि बहुत बारीकी से तराश के उसके बाद इन्हें बना के फिर लाया जाता है, और फिर छत में बिछाने का तरीका भी इसका बहुत खास है। अभी हम जिस गेट ले जा रहे हैं
उसके घर पे अगर पहुंचाने जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि घर उनका घर बन रहा है और उसके ऊपर कैसे किस प्रकार से ये बड़े पत्थर जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। और अभी हम लोग पत्थर लेके नीचे को जा रहे हैं, तो अभी वीडियो में थोड़ी देर में मिलता हूँ। नीचे अगर लोग कहीं बैठेंगे तो उनसे थोड़ा परिचय कराऊंगा और पूछाऊंगा कैसे क्या होता है, मुझे भी उतना खास नहीं पता, बस मैं बताऊंगा आपको। अभी मिलते हैं वीडियो में थोड़ा सा आगे। वो सी जोड़ वाला लगा दो पहाड़ी बेट है ये, पहाड़ी बेट पाथर डोल रहे हैं यद का साबित बुला दे ये अभी फिसल लगे ये लौट के एक बांगण में लगा है इधर को बांगण में लगी है फिसल के, काफी फिसलन हो रही है। और ये हमारे लड़का है ऊपर से आ रहा, कह रहा हूँ ये पाथर लेके कंट्रोल था, कहा कुशलता के लड़के ने तो आराम से आ रही है ये श्रद्धा श्रद्धा बहन मेरी औरत हुई बुरा मत मानना, ये कीड़ी का खसूम है पूजा का नाती ये मेरा शाला भी हुआ। मस्ती कर रहे दुपिया रठू ये न जान है भाई, इन औरतों को चप्पल भोग भोग के। और देख सकते हो कितना नीचे जाना है अभी, कैसे जा रहे है। अगर गलती से कोई गिर गया ना तो गया, के बाद पाथर हारने आए हैं, सोच सकते हो काफी नीचे ढलान है और फिसलन भी हो रही है। ऐसी फिसल के ऐसे हो रहे यहाँ पर जो बहुत जूप को ना वो छोड़े छोड़े लग रहा है। आप देख सकते कैसे जा रहे हैं यहाँ से यूं फिर वहाँ से नीचे को जाना है। कहाँ ही पाथर तेरे पीछे पाथर पे जो चौंक अब बोलते हैं जब बोल चौंक गाल दिलो है कले फोटो खेलो डबल पाथर लगा रखा है इसने, सिंगल पाथर जूता उतार दे हैं और अभी हम नंगे पैर जाएंगे क्योंकि काफ़ी फिसलन हो रही है। अगर जूता फिसल गया तो सीधे पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, मुझे खुद नहीं पता। तो भाई देख सकते हैं यह उनका घर, जब भी आपने वीडियो में देखा होगा तो इसके ऊपर जो प्लास्टिक रखा है अभी इसको निकालेंगे, काम कर रहे कुछ तो इसमें जो ऊपर से जो बड़े बड़े बांस वगैरह गए हैं बीम वगैरह लकड़ी के उसमें जो है पाथर वगैरह जाएगा, छत जाएगी इसके बाद। तो अभी घर को निकलते हैं, आ चुके हैं और घर को चल रहे हैं क्योंकि भूख भी लगी है। सुबह नाश्ता तो किया था मगर फिर भी भूख लगी रही है, मौसम तो ऐसी है साफ होने वाला नहीं है। और अभी हम लोग घर पे जा रहे हैं लेके, आप लोग ने देख ही दिया होगा कैसा और क्या है, निकलते हैं फिर। अब जो यो बिकी सेट है तो गाइज अभी ये विक्की है हमारे साथ और ये भी हरकोट से आ रखा था किसी काम से, तो ये अपने नन्हे लुक के बदले का आ रखा था। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? तो आज बहुत बढ़िया लगा हमें, बहुत पहले से सोचा था कि नहीं ना करूँ तो अभी उनकी ये जूक लग गया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं जौक, ये जौक है यहाँ पे हाथ में चीची हट। तो अभी घर को निकलते हैं, लेट्स गो, बाय गाइस। गाइस एक चीज पूछना तो भूल ही गया, जो ये हमने पहना ना बखुल यानी ऊन का कोट, ये कैसा लग रहा है गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और बताएं कि कैसा लग रहा है, जच रहा है नहीं जच रहा है तुम्हारे भाई पे। सम बेमान है बड़ा बेमान है आज मौसम बड़ा।
अभी हम घर जाते थे चाचरी लगाएंगे, तो अभी एक बहुत फेमस हमारे वहाँ की चाचरी है, बरखा लगो रुमझुमिया, बरखा लगो रुमझुमिया पानी बरखा लगो रहाटा के ताना और रुमझुमिया पानी लग बादल ओ तेरी बाला लोला ओ रुमझुमिया पानी लग बादल धार मा भेकुल मेरी आधार मा भेकुला रुमझुमिया पानी लग बादल एक तेरी बाला लोला रुमझुमिया पानी लग बादल मैं तो वाकड़ो कर पहाड़ी जुगाड़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये टायर है स्कूटी के टायर जितने हैं और ये ऊपर का पत्थर वगैरह रख के मिट्टी वगैरह रखने का है, देख सकते हैं कैसे पहाड़ी जुगाड़ बना रखा है। और ये बिक्की सेट चलाता है इसको ब्रेक लग रहे हैं इसके गाइस, देखो गाइस डिस्क ब्रेक गाइस देख सकते हैं ABS, ये देखो गाइस कैसे लग रहा, ये देख सकते हैं गाइस कहाँ तक ले जाएंगे हमारे बिक्की सेट इसको।